फिल्म के स्टार्टिंग में एक आदमी दिखाया जाता है जो अपनी दो बेटियों के साथ रेलवे स्टेशन पर आया था। वो अपनी बड़ी बेटी को डांट रहा होता है क्योंकि उसकी बेटी उसकी बात नहीं मान रही थी। फिर वो दोनों जाकर ट्रेन में बैठ जाते हैं। वहाँ बहुत से लोग मौजूद थे और लोग एक वायरस की बात कर रहे थे। ये जो वायरस था वो जानवरों के लिए बहुत खतरनाक था। इस आदमी का नाम सुख था। सुख इस बात को इग्नोर कर देता है कि ऐसा कोई वायरस भी है। तभी उस ट्रेन के बगल से एक ट्रेन आती है। उस ट्रेन को देखकर वहां का स्टाफ हैरान हो जाता है क्योंकि उन्हें पता था कि अगले 2 घंटे तक यहां कोई ट्रेन नहीं आएगी। फिर वो ट्रेन वहां कैसे आ गई? फिर एक अनाउंसमेंट होती है, उसमें बताया जाता है कि ये ट्रेन आपातकालीन स्थिति में यहां आई है। लेकिन वहां के लोगों को पता नहीं था कि ये आपातकालीन स्थिति कौन सी है। फिर उस ट्रेन के गार्ड उतर कर उस बगल वाली ट्रेन पर जाते हैं और वो उस ट्रेन के पास जाकर देखते हैं कि उस ट्रेन से खून निकल रहा है और उस ट्रेन में कोई पैसेंजर नहीं था। फिर दूसरी ट्रेन स्टार्ट होकर वहाँ से निकल जाती है। फिर सुख अपनी बेटी को ढूंढता है। वो अपनी सीट से कहीं और जाकर बैठ गई थी। फिर सुख अपनी बेटी को एक आर्मी ऑफिसर के साथ बैठा हुआ देखता है। फिर सुख अपनी बेटी से कहता है कि मेरे साथ चलो। सुख की बेटी सुख के साथ चलने से मना कर देती है और वो कहती है कि आप कौन है, मैं आपको जानती नहीं। सुख उसका पिता होने के बावजूद भी वो कुछ नहीं कर पाया और सुख की बेटी जानबूझकर अपने पिता को इग्नोर कर रही थी क्योंकि वो अपने पिता को पसंद नहीं करती थी। फिर ट्रेन के गार्ड सुख को पकड़ते हैं और उसे एक कंपार्टमेंट में बंद कर देते हैं। फिर एक गार्ड देखता है कि वहाँ एक आदमी पहले से बैठा हुआ है। उस आदमी को चूहे खा रहे थे। फिर गार्ड जैसे ही आदमी को छूने की कोशिश करता है फिर वो सभी चूहे उस गार्ड पर अटैक कर देते हैं। ट्रेन के अंदर सभी पैसेंजर को ट्रेन के ऊपर से बहुत आवाज़ें सुनाई दे रही थी। ये जो आवाज़ें थी ये चूहों की थी। फिर ट्रेन के अंदर बैठा हुआ आदमी अपनी छड़ी को ट्रेन के अंदर से ट्रेन की छत पर मारता है और जैसे ही वो मारता है ट्रेन की छत टूट जाती है और फिर बहुत से चूहे उसके अंदर से नीचे गिर जाते हैं। ये चूहे आम चूहे नहीं थे, ये चूहे वो चूहे थे जिनके अंदर वायरस फैला हुआ था और ये खतरनाक थे। फिर ये सभी चूहे वहाँ मौजूद पैसेंजर पर हमला करते हैं। फिर यहाँ पता चलता है कि इसके बारे में एक आदमी पहले से वहाँ जानता था। उसे पता था कि पिछली ट्रेन में इस तरह का हादसा हो चुका है और उस ट्रेन से निकलकर वो इस ट्रेन में आया था ताकि वो अपनी जान बचा सके। जब वो देखता है कि इस ट्रेन में भी चूहे आकर हमला करने लग गए हैं फिर वो वहाँ से भागने लगता है। इसके बाद सुख कंपार्टमेंट का दरवाज़ा तोड़ता है और वहाँ से बाहर आ जाता है। फिर वो तुरंत अपनी बेटियों को बचाने के लिए वहाँ जाता है और सुख सभी पैसेंजर को चेतावनी देता है चूहों से सभी बचकर रहें क्योंकि सुख जिस कंपार्टमेंट में गया था उस कंपार्टमेंट में कोई भी चूहा नहीं आया था। चूहों ने ट्रेन के पिछले डब्बे पर अभी तक हमला किया था और यहाँ किसी को पता नहीं था कि चूहे पीछे कंपार्टमेंट में आ चुके हैं। कोई भी सुख की बात पर यकीन नहीं करता और वहाँ मौजूद लोग सुख पर हंसते हैं, शायद ये आदमी कोई मजाक कर रहा है। तभी वहाँ चूहे आकर उन पर हमला कर देते हैं और बहुत से लोग वहाँ से भागने लगते हैं और वो वहाँ से ट्रेन के आगे वाले हिस्से तक जाने की कोशिश करते हैं। इसके बाद वही आदमी दिखाया जाता है जो अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। ये आदमी आर्मी ऑफिसर का हेड था। फिर वो आदमी सोचता है अगर मैंने बाकी पैसेंजर को बचाया तो मैं खुद मर जाऊँगा। फिर वो आदमी तय करता है कि ट्रेन का पीछे कंपार्टमेंट उसको आगे वाले कंपार्टमेंट से अलग कर देना चाहिए ताकि ट्रेन के आगे का हिस्सा सुरक्षित रहे। फिर गार्ड्स जाकर ट्रेन के पीछे वाले कंपार्टमेंट को ट्रेन से अलग कर देते हैं। फिर वहाँ मौजूद लोग ट्रेन से ऊपर चढ़कर आगे वाले कंपार्टमेंट में जाते हैं। फिर आगे वाले कंपार्टमेंट में जो लोग थे वो ये देखते हैं जिन लोगों पर इन चूहों ने अटैक किया है उन पर एक इन्फेक्शन फैल गया था और ये इन्फेक्शन एक इंसान से दूसरे इंसान तक फैल सकता है। फिर सुख कहता है इस इन्फेक्शन का एक उपाय है। वो कहता है मैं मेडिकल डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। फिर वो कहता है कुछ स्टेशन के बाद एक स्टेशन आएगा जहाँ एक हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल में हमें इस इन्फेक्शन की मेडिसिन मिल सकती है। इस बात के लिए कुछ लोग मान जाते हैं और कुछ लोग नहीं मानते क्योंकि जो बचे लोग थे वो नहीं चाहते थे कि हमें भी ये इन्फेक्शन हो जाए। वो ये चाहते थे कि ट्रेन बिना रुके बस चलती रहे। उन्हें डर था कि अगर वो किसी जगह रुकेंगे तो उन पर चूहे हमला कर सकते हैं। फिर जो आर्मी का हेड था उस पर एक आदमी बंदूक तान देता है। फिर वो लोग ये फैसला करते हैं कि उस हॉस्पिटल में जाना है और दवाई लानी है, बाकी जो लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं उन्हें पीछे वाले कंपार्टमेंट में डालना है। फिर कुछ समय बाद वो स्टेशन आता है जहाँ वो हॉस्पिटल मौजूद था। फिर ये तय होता है कि कुछ आदमी उस हॉस्पिटल में जाकर वहाँ से मेडिसिन लाएंगे। सुख का उनके साथ जाना बहुत ज़रूरी था क्योंकि उसे ही दवाई के बारे में पता था। जब वो ट्रेन से उतरते हैं तो वो देखते हैं कि पूरा शहर तबाह हो चुका है। वहाँ बहुत सी डेड बॉडीज़ थी। वो उन डेड बॉडीज़ के बीच से निकलकर
आगे चलते हैं। फिर वो आगे देखते हैं कि आगे बहुत से चूहे मौजूद हैं, उनमें से एक भी चूहा धूप में नहीं आ रहा था। फिर वो लोग समझ जाते हैं कि ये चूहे धूप में नहीं आ सकते, लेकिन उनका रास्ता अंधेरे से जाने वाला था। फिर वो ऐसे रास्ते से जाते हैं जहाँ लगातार धूप थी, लेकिन कुछ टाइम बाद वहाँ आसमान में बादल दिखाई देते हैं और सूरज को ढक लेते हैं। फिर सूरज की रोशनी नहीं आती, फिर बहुत सारे चूहे उन लोगों पर हमला करते हैं। फिर वो लोग फटाफट वहाँ से भागते हैं और उस हॉस्पिटल के अंदर पहुँच जाते हैं, लेकिन उनमें से दो आदमी पर चूहों ने हमला कर दिया था, जिस वजह से वो मर चुके थे। फिर हॉस्पिटल के अंदर उन्हें एक आदमी मिलता है जो अपने परिवार के साथ वहाँ छुपा हुआ था, उसके बेटे को एक चूहे ने काट दिया था। फिर सुख उस आदमी से कहता है कि इसका इलाज मेरे पास है और दवाई के जरिए इसका इलाज हो सकता है। फिर वो आदमी उस जगह ले जाता है जहाँ बहुत सी दवाइयाँ मौजूद थी। फिर वहाँ उन्हें पता चलता है कि यहाँ चूहों का बसेरा है, यानी यहाँ पर बहुत सारे चूहे होंगे। वहीं दूसरी तरफ जो लोग ट्रेन में मौजूद थे वो बात कर रहे होते हैं कि जो लोग मेडिसिन लेने गए हैं वो अब वापस नहीं आएंगे और हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहिए। फिर वो कंपार्टमेंट दिखता है जहाँ सारे इन्फेक्टेड लोग थे। तभी वहाँ मौजूद एक औरत पीछे वाले कंपार्टमेंट का दरवाज़ा खोलती है और वहाँ बहुत से चूहे आते हैं और उन लोगों पर हमला करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल के अंदर सुख मेडिसिन तक पहुँच जाता है। फिर सुख सारी मेडिसिन को एक बॉक्स के अंदर डालता है, लेकिन जब वो वापस जाता है तभी उसके पैर के नीचे एक लकड़ी आती है। फिर वो वहाँ से गिरता है और एक जगह लटक जाता है। फिर सभी चूहे उसकी तरफ आने लगते हैं। फिर वहाँ मौजूद लोग तुरंत वहाँ से भागते हैं और बहुत सारे चूहे उनके पीछे भागने लगते हैं। फिर जब वो वहाँ हॉस्पिटल से बाहर आते हैं, बाहर उन्हें एक जीप दिखाई देती है। फिर वो जीप में बैठकर वहाँ से भाग निकलते हैं। फिर वो जब ट्रेन तक पहुँचते हैं, फिर वो देखते हैं कि वहाँ बहुत सारी डेड बॉडीज मौजूद हैं। ये वो लोग थे जिन पर चूहों ने पहले अटैक किया था। फिर अंदर से ट्रेन का दरवाज़ा सुख की बेटी खोलती है। फिर सुख अपनी बेटियों को देखकर बहुत खुश होता है। फिर ऊपर से बादल आते हैं और सूरज को ढक लेते हैं और सूरज की रोशनी बंद हो जाती है और बहुत से चूहे उनकी तरफ आने लगते हैं। फिर ट्रेन शुरू हो जाती है और वहाँ से निकल पड़ती है, लेकिन एक आदमी वहाँ पीछे छूट जाता है, लेकिन उस आदमी पर चूहे हमला करते हैं और उसे मार डालते हैं। फिर उन सभी पैसेंजर को दवाई दी जाती है जो इन्फेक्टेड थे, लेकिन आगे जाकर ट्रेन रुक जाती है क्योंकि उसके आगे एक ट्रेन गिरी हुई थी। फिर वो सभी पैसेंजर ट्रेन से उतरते हैं और उस डब्बे को हटाने की कोशिश करते हैं। वहीं दूसरी तरफ बहुत से चूहे इनकी तरफ आ रहे थे, लेकिन वहाँ एक आदमी खुद को चूहों के हवाले करने का फैसला करता है। वो अपने शरीर पर बहुत से बम बांध देता है और वो उन चूहों के पास पहुँच जाता है। फिर जैसे ही बहुत से चूहे उस पर हमला करते हैं, तभी वो बटन ऑन करके ब्लास्ट हो जाता है और फिर बहुत से चूहे उस ब्लास्ट की वजह से मर जाते हैं। अब उनका रास्ता साफ था, लेकिन आगे एक दिक्कत आ चुकी थी। वो ट्रैक दूसरे ट्रैक से मिल रहा था, उस दूसरे ट्रैक पर एक बहुत बड़ी खाई थी। फिर उसको चेंज करने के लिए सुख लेवल खींचता है, लेकिन सुख को उस लेवल को दबा के रखना था। फिर सुख उस लेवल को दबा के रखता है, लेकिन ट्रेन वहाँ से आगे निकल पड़ती है और सुख वहीं छूट जाता है। फिर वो ट्रेन पर चलने के लिए ट्रेन के पीछे भागता है। ट्रेन की स्पीड काफ़ी थी, जिस वजह से वो ट्रेन को नहीं पकड़ पाता और उसकी बेटियाँ उसको हाथ देती है। वो चिल्ला रही होती है कि ट्रेन को कोई रोक दो, लेकिन ट्रेन नहीं रुकती, लेकिन उनका पिता कहता है कि ट्रेन नहीं रुकनी चाहिए। फिर सुख आखिरकार रुक जाता है और ट्रेन वहाँ से निकल जाती है और बहुत से चूहे आकर सुख पर हमला करते हैं और सुख मर जाता है। सुख की बेटियाँ बहुत रोती है क्योंकि वो अपने पिता को खो चुकी थी। फिर फिल्म के अंत में सुख की बेटी को अपने पिता की बात याद आती है कि तुम्हें उस लड़के से दूर रहना चाहिए, और यहाँ पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वीडियोस देखते रहिए हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच।